बच्चे तो आ गए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जुड़ जाइए सारे लोग। तो 20 मोस्ट हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करेंगे। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सारे लोग जुड़ जाइए व्यूअर। तो आज हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आने वाले आपके जेबीटी पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और हम लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की ट्राई कीजिए और देखिए कि आप 20 में से कितना क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। तो सारे लोग वेलकम, जुड़ जाइए जल्दी से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा नोटिफिकेशन, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे निंबस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो निंबस करियर ऐप को हमारे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स को भी बाई कर सकते हैं HB पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप ध्यान में रखें। एक तो निंबस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है हमारे कोर्स को बाई भी कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग पिकअप करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो सारे लोग जुड़ जाइए और पहला क्वेश्चन का आंसर सारे लोग ट्राई कीजिए कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ट्राई कीजिए। तो पहला, वेयर इज द कैटल ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कहता है कि हिमाचल प्रदेश में पशु प्रजनन फार्म कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन है पालमपुर, कोठीपुरा और बगथान, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 का सारे लोग आंसर देने का ट्राई कीजिए कि 1 का राइट आंसर क्या होगा। 1 का, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारे लोग जुड़ जाइए और 1 का आंसर सारे लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में पूछा कि कैटल ब्रीडिंग फार्म हिमाचल प्रदेश में कहां कहां पर है। तो बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि कहां कहां पर है। तो एग्जैक्टली 1 का आंसर सारे लोग कमेंट बॉक्स में, मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया। तो 1 का डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो 1 का डी मिलाइए, मैक्सिमम सारे लोग का ऑलमोस्ट सही आंसर आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वेयर इज द सीप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में भेड़ प्रजनन फार्म कहां पर स्थित है। तो 4 आपके ऑप्शन है, पहला है जेवरी, दूसरा आपका है ताल और तीसरा है सरोल और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सारे लोग दिख के जाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सारे लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल्स को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना बेस्ट रिवीजन कीजिए हिमाचल प्रदेश के जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस और ट्राई कीजिए कि सारे लोग आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सारे लोग आंसर बताइए। 2 का भी सारे लोग का आंसर आ गया, 2 का भी ऑप्शन डी है, इसका डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो 2 का डी मिलाइए, 2 का डी भी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो जेवरी में सबसे पहले सीप ब्रीडिंग फार्म की स्थापना हुई थी, उसके बाद ताल सरोल और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट है, कह रहा है हु वाज द रूलर ऑफ बुशियार व्हेन गोरखा अटैक ऑन बुशियार। जब गोरखों ने बुशियार को कैप्चर किया तो उस समय बुशियार का राजा कौन था। तो बुशियार का राजा कौन था आपको बताया, पहला ऑप्शन में राजा रामसीन, उग्रसीन, राजा शमशेर सीन, राजा मोहिंदर सीन। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 का सारे लोग आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या हो गया, क्या होगा। जब गोरखों ने एक तरह से बुशियार स्टेट पर अटैक किया तो वहां का राजा कौन था। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 का मैक्सिमम 2-3 लोग का राइट आंसर आया, बाकी लोग भी ट्राई करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो जिन लोगों का गलती हुआ मिला लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, राजा मोहिंदर सिंह होगा। तो 3 का डी मिलाइए, मैक्सिमम लोग का राइट आंसर आ गया। जो लोग का मिस्टेक हो गया करेक्शन कर लीजिए कि क्लास एक तरह से आपका रिवीजन का है इसलिए आप रिवीजन कर रहे हैं। तो बुशियार पर एक तरह से गोरखों ने अटैक करके बुशियार राज्य को कैप्चर कर लिया था, तो वहां का राजा मोहिंदर सिंह था। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 4।
अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हेन राजा वीरभद्र सिंह बिकेम द किंग ऑफ हुशियार, व्हेन राजा वीरभद्र सिंह बिकेम द किंग ऑफ हुशियार, तो राजा वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम सीएम रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड भी है मैक्सिमम सीएम बनने का, वो हुशियार का राजा कब बने? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में पहला है 1946, 1947, 1948, 1949। क्वेश्चन नंबर 4, तो राजा वीरभद्र सिंह हुशियार का राजा कब बने? सारे लोग आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हुआ एग्जैक्टली? तो हुशियार का राजा कब बने? तो मैक्सिमम लोग का आंसर गलत आ रहा है, और लोग भी ट्राई और भी बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो हुशियार के राजा वो कब बने? ऑप्शन में पहला 1946, 1947, 1948 और 1949। चलिए आंसर मिलाइए, मैक्सिमम लोग का इसका आंसर गलत आया है, कोई बात नहीं। तो इसका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा 1947 में राजा बने थे। उसके बाद हुशियार एक तरह से भारत में मच, एक तरह से अवगत है कि हुशियार जो था पहले आज किन्नौर का पार्ट है, हुशियार पहले महेशु का पार्ट होता था। तो 1947 में हुशियार के राजा बने राजा वीरभद्र सिंह। तो 4 का बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका राइट आंसर होगा। तो सारे लोग मिलाइए बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ड्यूरिंग विच रीजन ऑफ चंबा द सुई मेला वाज स्टार्टेड। तो सुई मेला आपको बताया कि चंबा का बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, जिसमें नैना देवी ने अपना बलिदान दिया था चंबा टाउन में पानी को लाने के लिए। तो किसके समय यह मेला स्टार्ट हुआ? ऑप्शन में पहला है साहिल बर्मन, मेरू बर्मन, अजय बर्मन, आदित्य बर्मन। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि किसके समय सुई मेला चंबा में स्टार्ट हुआ? साहिल बर्मन के समय, मेरू बर्मन की, अजय बर्मन की, आदित्य बर्मन? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको पता है इसका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा साहिल बर्मन। तो 5 का ए मिलाइए, साहिल आंसर 5 का ए इज द करेक्ट आंसर, इसका एग्जैक्टली आंसर होगा साहिल बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द सुई फेयर। जब सुई का मेला लगता है तो कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है गद्दी लोग के द्वारा, गद्दी ट्राइब्स के द्वारा? ऑप्शन में है सिकरी, नौला, नौवाला, गद्दी नाटी या डांगी डांस। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सारे लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा कि विच डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द सुई फेयर। जब सुई मेला लगता है तो कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और फैक्चुअल भी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा लोग को दिक्कत आ रही होगी। तो मैक्सिमम लोग का एक तरह से गलत आंसर आ रहा है, इसका एग्जैक्टली आंसर होगा, सारे लोग आंसर बताइए, 6 का ए इज द करेक्ट आंसर होगा, सिकरी डांस परफॉर्म किया जाता है। कहता है विच डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द सुई फेयर, तो सुई फेयर के समय गद्दी ट्राइब के द्वारा जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसको सिकरी डांस कहते हैं, SIKRE, सिकरी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 7, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है हु फाउंडेड द सुकेत स्टेट। तो जब भी एग्जाम हम हिमाचल प्रदेश का देने जाइए, एक तो सारे प्रिंसली स्टेट का फाउंडर आपको पता होना चाहिए कि किसने फाउंडर किया था प्रिंसली स्टेट के सारे। तो ऑप्शन में अजमेर सेन, गिरी सेन, बान सेन, बीर सेन। तो सुकेत से ही मंडी स्टेट का राइज हुआ है, और सुकेत का फाउंडर कौन है? क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा, हु फाउंडेड द सुकेत स्टेट, सुकेत राज की स्थापना किसने किया था? तो सारे लोगों ने एकदम राइट आंसर दिया है, और इसका राइट आंसर 7 का डी होगा, बीर सेन। तो सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया कि फाउंडर ऑफ सुकेत, और सुकेत से ही मंडी स्टेट का राइज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, क्वेश्चन नंबर 8 बताना है कि द फागली फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड। तो फेस्टिवल पर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और बताना है कि फागली उत्सव मनाया जाता है कहां पर?
पहला ऑप्शन है लाहौल स्पीति, सिरमौर, कुल्लू, चंबा। तो फागली फेयर कहां पर मनाया जाता है, सारे लोग ऑप्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर एट, तो फागली फेयर के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर एट, तो निशु का राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत लोगों का राइट आंसर आ गया इसका। एट का सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका राइट आंसर होगा। जो फागली फेस्टिवल है, तो फागली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कुल्लू में, इसलिए एट का सी। तो एट का सी सारे लोग मिलाइए, इसका एग्जैक्टली आंसर होगा कुल्लू। तो कुल्लू में फागली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन आइए। अब क्वेश्चन नंबर नाइन है कि करंट के ऊपर बेस्ट है, और एक दो हमने करंट्स भी डाला है इसमें कि आपका हिमाचल के पेपर में, हिमाचल जीके में करंट अफेयर्स भी आते रहते हैं, तो एक से दो क्वेश्चन आपके पेपर्स में आएंगे करंट अफेयर्स से। तो कहता है रामा ठाकुर हैज बीन फर्स्ट वोमेन फ्रॉम द स्टेट टू स्केप द माउंट किलिमंजारो सी बिलोंग टू। तो माउंट किलिमंजारो आपको पता है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो तांजानिया कंट्री में है। अभी हिमाचल प्रदेश की कौन सी जो लेडी है जिनका नाम है रामा ठाकुर, उसने माउंट किलिमंजारो मतलब अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। ऑप्शन में शिमला है, कुल्लू है, सिरमौर है, हमीरपुर है। क्वेश्चन नंबर नाइन, तो नाइन का साइलो आंसर बताइए कि रामा ठाकुर जो रिसेंटली माउंट किलिमंजारो द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है जिसको क्लाइम करी है, कहां से बिलोंग करती है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर नाइन, तो मैक्सिमम लोग का राइट आंसर आया, एग्जैक्टली इसका राइट आंसर होगा नाइन का बी, सी बिलोंग फ्रॉम कुल्लू, कुल्लू से बिलोंग करती है रामा ठाकुर, जिसने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को क्लाइम किया है। तो सारे लोग नाइन का बी मिलाइए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए टेन, ये भी करंट से एक दो क्वेश्चंस है। पहला कह रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का रिसेंटली कौन राज्यपाल बना है। आपको पता है गवर्नर जो होता है सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो गवर्नर अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश का कौन सा बना है, यह ऐसे करके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो सारे लोग इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर टेन, हु बिकेम द रिसेंटली न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गवर्नर के बारे में आपको पता होना चाहिए दो तीन फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, रिजाइन भी अपना प्रेसिडेंट को ही देता है। तो रिसेंटली कौन बना है, तो सभी ने इसका राइट बताया है, सेवन टेन का सी, शिव प्रताप शुक्ला, सी बिलोंग फ्रॉम यूपी, तो यूपी से बिलोंग करते हैं और जो बने हैं शिव प्रताप शुक्ला बने न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आइए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ तैमूर। जब तैमूर ने कांगड़ा पर अटैक किया तो उस समय कांगड़ा का शासक कौन था, हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा। तो तैमूर ने आपको बताया कि 1398 AD पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पर अटैक किया, तो उस समय शासक कौन था, पृथ्वीचंद, मेघचंद, संग्राचंद और पूरबचंद। क्वेश्चन नंबर 11, तो सबों ने इसका राइट आंसर बताया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और 11 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेघचंद इसका राइट आंसर है, मेघचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आइए, कहता हु वाज इंस्टॉल द राजा ऑफ कांगड़ा आफ्टर द अनुरूद चंद लेफ्ट द स्टेट्स। तो अनुरूद चंद जब राज छोड़ के चले गए तो कांगड़ा का राजा कौन बना, कहलचंद, फतेहचंद, ध्रुवचंद, हीराचंद। क्वेश्चन नंबर 12, के सारे लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए क्या होगा। हु वाज इंस्टॉल द राजा ऑफ कांगड़ा आफ्टर द अनुरूद चंद लेफ्ट द स्टेट। जब अनुरूद चंद राज छोड़ के चले गए, रंजीत सिंह ने इनको प्रेशर किया शादी के लिए, मैरिज के लिए, तो ये राज छोड़ के चले गए, तो कौन राजा बना। क्वेश्चन नंबर 12,
तो मैक्सिमम लोग का गलत आंसर आ रहा है, इसका यार एग्जैक्टली आंसर होगा 12 का बी, फतेह चंद इसका आंसर होगा, 12 का बी मिलाइए, बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम लोग का गलत आ रहा है। तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल्स को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। क्लास में मोर देन 40% लोग बैठे हैं और लाइक सिर्फ 13 ही है, तो आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मिल रहा है रिविजन के लिए और लाइक्स इतने कम है, तो आप लोग क्या करें लाइक्स भी कीजिए। तो ओनली 13 लोगों ने लाइक्स किया है, 40 लोग क्लास में बैठे हैं। तो कहता हु वाज इंस्टॉल द राजा ऑफ कांगड़ा आफ्टर द अमृतचंद लेफ्ट द स्टेट, क्वेश्चन नंबर 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फतेह चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए, कहता है कि द सफिक्स ऑफ बर्मन वॉज फर्स्ट यूज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ चंबा। तो राजा का चंबा ने सबसे पहले वर्ड बर्मन सबसे पहले किसने यूज किया? तो ऑप्शन में मेरू बर्मन है, आदित्य बर्मन है, बाला बर्मन है कि नॉन ऑफ दीज। तो चंबा का राजा पहला कौन था जिसने बर्मन टाइटल को यूज करना स्टार्ट कर दिया? उसके समय से सारे राजाओं ने बर्मन टाइटल रखना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी लोग इसका ट्राई कीजिए। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए कितने लोगों का करेक्ट आंसर मेरू बर्मन नहीं होगा। रितेश ने सही आंसर बताया, रितेश गुप्ता ने इसका राइट आंसर बताया है, इसका 13 का बी इज द करेक्ट आंसर होगा, आदित्य बर्मन। तो आदित्य बर्मन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, अब क्वेश्चन नंबर 14 भी चंबा स्टेट पर है। कहता है कि द फर्स्ट राजा ऑफ चंबा टू यूज द सफिक्स ऑफ सिंह वाज, तो सिंह टाइटल सबसे पहले किसने रखना स्टार्ट किया चंबा का? अब बर्मन से सिंह पर शिफ्ट हो गया, तो चंबा का कौन सा राजा था जो सिंह टाइटल रखना स्टार्ट किया? क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 बताइए कि 14 में बताइए कि द फर्स्ट राजा ऑफ चंबा टू यूज द सफिक्स ऑफ सिंह वाज पृथ्वी सिंह, छतर सिंह, उदय सिंह, उग्र सिंह। तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए, थोड़ा डिफिकल्ट है बाकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो एग्जाम में ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जैक्टली आते हैं। तो मैक्सिमम लोग का इसका राइट आंसर आएगा एग्जैक्टली, इसका आंसर होगा पृथ्वी सिंह। तो सारे लोग बुलाइए, 14 का ए होगा पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आइए, कहता हु फॉर्म द हिंदूर और नालागढ़ स्टेट। तो नालागढ़ स्टेट का राइज आपको बताया कि बिलासपुर से हुआ था और इसका फाउंडर कौन था? बीरचंद, हरिचंद, अजय चंद, अहलचंद। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नालागढ़ के ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं। नालागढ़ को हिंदूर भी कहते हैं आप, तो इसका फाउंडर कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 15 तो बार बार इस पर क्वेश्चन आता है, इसलिए प्रैक्टिस में कीजिए कि हु फॉर्म द हिंदूर और नालागढ़ स्टेट, हिंदूर और नालागढ़ स्टेट का फाउंडर कौन था? क्वेश्चन नंबर 15। तो सारे लोग का मैक्सिमम लोग का राइट आंसर आ गया एग्जैक्टली, इसका आंसर होगा अजय चंद। तो अजय चंद इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है कि ये बिलासपुर से इसका राइज हुआ था, तो आपको पूछे कि नालागढ़ का राइज या हिंदूर का राइज किससे हुआ? तो बिलासपुर से हुआ था, और ये है यहां के भी राजा भी चंदेल प्रिंसेस थे एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आइए, कहता है सेम आपका आंसर तो मैंने डिस्कस ही कर दिया और क्वेश्चन भी आ गए इसके ऊपर। कहता है हिंदूर एंड बंगाल वेयर अंडर द रूलर ऑफ विच स्टेट। तो हिंदूर और जो बंगाल स्टेट था वो किसके अंदर थे? सिरमौर, बिलासपुर, किंथौल और मंडी। तो बाद में किसके अंडर रहे? हिंदूर और बंगाल वेयर अंडर द रूलर ऑफ विच स्टेट। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है, एग्जैक्टली आंसर इसका होगा 16 का बी। तो बिलासपुर के अंदर हिंदूर भी रहा और बंगाल भी रहा, दोनों इतने से बिलासपुर से इनका राइज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आइए,
कह रहा है कि विच किंग ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगत सुख टू नगर। कहता है किस राजा ने कुल्लू की राजधानी जगत सुख से नगर को हस्तांतरित किया। तो बार बार क्वेश्चन ये आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विच किंग ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगत सुख टू नगर। तो जगत सुख से नगर को कंट्रोल किसने ट्रांसफर किया कैपिटल। पहला ऑप्शन है विशुद्धपाल, रामपाल, रुद्रपाल, संसारपाल। तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। तो किसने अपना कैपिटल ट्रांसफर किया था कुल्लू फ्रॉम द जगत सुख। तो 17 का ए इज द करेक्ट आंसर, विशुद्धपाल ने अपना कैपिटल जगत सुख से नगर को ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा डिफिकल्ट है कि वेयर वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ कुल्लू इन एंशियंट टाइम। कुल्लू का हेड क्वार्टर एंशियंट प्राचीन काल में कहां पर था। नगर, जगत सुख, सुल्तानपुर, कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सारे लोग इसके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो सारे लोग ठीक से सोच के इसका राइट आंसर बताइए कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा, कि वेयर वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ कुल्लू इन एंशियंट टाइम। प्राचीन काल में कुल्लू का हेड क्वार्टर कहां पर था। तो इसका एग्जैक्टली 18 का बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका राइट आंसर होगा, जगत सुख। तो सारे लोग मिलाइए इसका एग्जैक्टली आंसर होगा जगत सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 19। तो बार बार क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ईयर द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रघुनाथ बॉर्ड फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू। अयोध्या से कुल्लू कब रघुनाथ का इमेज लेके आया गया था। तो ऑप्शन बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और खासकर डेट पर पूछते हैं कि इन विच ईयर द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रघुनाथ बॉर्ड फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू। पहला ऑप्शन है 1652, 1650, 1660 और 1651। तो सारे लोग इसका राइट आंसर बताइए कि एग्जैक्टली इसका राइट आंसर क्या है। नीतू चौहान का पहले ही राइट आंसर आ गया, वेरी गुड। तो और लोग भी ट्राई करके बताइए कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। हर एग्जाम में आते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 19 का सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोग का राइट आंसर आ गया, कुछ लोगों ने मिस्टेक भी किया। तो 19 का डी राइट आंसर होगा, 1651। तो याद रहेगी रघुनाथ का स्टैचू कब लेके अयोध्या से आया गया, 1651 में लेके आया गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आइए। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि द किंग ऑफ कांगड़ा पॉइजन विच किंग ऑफ बिलासपुर इन 1667। तो कांगड़ा के किस राजा ने बिलासपुर के राजा को जहर दे दिया था। ज्ञानचंद, दीपचंद, मेघचंद, उदयचंद। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सारे लोग इसका कमेंट बॉक्स में, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ट्राई करके बताइए कि किंग ऑफ कांगड़ा पॉइजन विच किंग ऑफ बिलासपुर इन 1667। क्वेश्चन नंबर 20। तो सारे लोगों ने इसका एग्जैक्टली राइट आंसर दिया, इसका एग्जैक्टली होगा 20 का बी। तो दीपचंद को जहर दे दिया गया था, जो बिलासपुर का राजा था। तो ये आज के हमारे 20 बेस्ट क्वेश्चन थे, जो आपका एक तरह से अच्छा रिवीजन भी हुआ। आई होप क्लास में सारे लोगों को फायदा हुआ होगा और आपका बेस्ट रिवीजन भी हुआ। जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल्स को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और फिर आपके लिए 20 बेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं और रिवीजन करते हैं। Thank you very much. Have a nice day.